पूरी दुनिया में आतंकी जहनियत रखने वाले कट्टरपंथी मुसलमानों की मानसिकता एक जैसी है, चाहे वो फ्रांस हो या हिंदुस्तान हो। क्योंकि फ्रांस में एक प्रोफेसर की गर्दन उनके एक स्टूडेंट ने इसलिए काट दी क्योंकि उसने एक मोहम्मद साहब का कार्टून दिखाया था, उस स्टूडेंट को वो पसंद नहीं आया। हम हिंदुस्तान में मुसलमानों को सही रास्ते पे चलाने की बात करते हैं, जो इस्लाम में कट्टरपंथी मानसिकता है उसका विरोध करते हैं, ये बातें हिंदुस्तानी मुसलमानों को पसंद नहीं आती, इसलिए वो हमारी गर्दन काटने के लिए हमको फोन करते हैं, हमको धमकियां देते हैं, हमारे खिलाफ फतवे जारी करते हैं, हमारे सर काटने पर इनाम घोषित करते हैं। ये धमकियां, ये फतवे, ये इनामात मुसलमानों की कट्टरपंथी वो जहनियत को दर्शाता है जो वो गलत इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। इस्लाम में इस तरह के जालिमाना बातों की कोई इजाजत नहीं दी गई है।